ये जो कार है वॉक्सवैगन की विंटो है, स्टार्टिंग ट्रबल है, इसके अंदर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसको हम लोग ने स्कैनिंग किया जी, स्कैन टू से भी किया और लॉन्च से भी ट्राई किया, बट गाड़ी में नो ट्रबल कोड है। तो उसको मैनुअली चेक करना पड़ेगा प्लग में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट एक बार देख लेते लॉन्च से ही, छोटे वाले से देख लेते इसमें कोई DTC या ट्रबल कोड है कि नहीं। डायग्नोस जी, स्कैन टू लगाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इससे ही चेक कर लेते हैं इसको। लाइट वगैरह सब आ रही है और जैसा कि देख सकते हैं इस पर सेफ मोड भी लिख के नहीं आ रहा। समटाइम ऐसा होता है सेफ मोड लिख के आया तो गाड़ी सेफ मोड में चली गई, एम्बुलेजर का इशू रहता है। तो देख सकते हैं इसके अंदर ACM के अंदर नो ट्रबल कोड है इंजन के अंदर, ठीक है, 0 दिखा रहा है, नो DTC है। और अगर रीड कोड्स भी करते तो व्हीकल इज नो फॉल्ट कोड, ठीक है, कोई फॉल्ट कोड है नहीं इसके अंदर, नो फॉल्ट कोड शो कर रहा है। तो अब इसको मैनुअली चेक, तो इसमें डाटा स्ट्रीम में एक बार चेक कर लेते हैं लाइव डाटा जो इसका। जैसा कि पता है आपको कि इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं क्रैंक सेंसर काम कर रहा है, कैम सेंसर काम कर रहा है कि नहीं, मतलब इसमें तो इतना फंक्शन नहीं रहेगा छोटे वाले में, दूसरे में देख सकते हैं हम लोग, GScan 2 में या लॉन्च वगैरह में देख सकते हैं हम लोग कि कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं, फ्यूल का या जो भी सेंसर वगैरह है डाटा स्ट्रीम में भी जाके चेक कर सकते हैं। बट गाड़ी के अंदर अगर नो ट्रबल कोड है तो फिर मैनुअली चेक करना पड़ेगा। समटाइम रहता है क्योंकि दूसरा भी इशू रहता है, कभी कभी फॉल्ट नहीं भी बताता है, कुछ ख़राब रहता है, ऐसा भी रहता है। तो इसमें नो DTC दिखा रहा है बट लाइव डाटा में मेरे ख्याल से फ्यूल का इशू लग रहा है इसके अंदर, एक बार चेक कर लेते हैं। ज़्यादा शेल्फ मारे रहेंगे इन लोगों ने, बोलो उसको खोलने हैं वकील भाई। तो देख सकते, बोलो ना राजू को प्लग खोलने, बोलो उसको प्लग निकालने, फिर वायर निकालने बोलो, बस प्लग को दूसरा लगा लो। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी हम लोगों ने इसमें सेल्फ मारे तो ये गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई, ठीक है। ऊपर रखो थोड़ा गाड़ी, हाँ तो ऊपर रखो, प्लग लगा हुआ है इसके अंदर, हम लोगों ने बाहर से सिर्फ करंट चेक किया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ करंट वगैरह चेक करते तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि देख सकते हैं भी ये जो गाड़ी है स्टार्ट हो गई, जो कार है स्टार्ट हो गई है, ठीक है, करंट भी आ रहा है इसके अंदर, सकता है इसके अंदर पहले ऐसे होता था, मतलब बहुत सारी गाड़ी में हम लोगों ने देखा है कि जब प्लग वायर कभी कभी स्टार्ट नहीं होती गाड़ी, शॉर्ट करेंगे मतलब कहीं करंट चेक करने जाएंगे तो स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, तो क्रैंक सेंसर का भी इशू रहता तो भी ऐसा होता है। और कॉइल वाली गाड़ियों में जो इग्निशन कॉइल लगा रहता था बटला कॉइल, उसका भी इशू रहता था, अगर वो वीक रहता था हम लोग कहीं करंट चेक करते थे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती। तो अभी जो गाड़ी है स्टार्ट हो गई है, लग तो नहीं रहता ऐसा स्टार्ट होगी, बट अभी ये स्टार्ट हो गई, प्लग जो वायर निकाल के प्लग में करंट चेक किया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और ऐसा भी हो सकता है इसका इंजन कंप्रेशर वीक रहेगा ना, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है इसके अंदर, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है इंजन ऑयल नहीं था, मतलब एक लोगों ने पहले चेक किया बोलते इंजन ऑयल थोड़ा भी कम था इसके अंदर। ठीक है सर, देख सकते गाड़ी स्टार्ट है, प्लग के अंदर करंट आ रहा, बंद कर लिए चेक कर रहे, फिर स्टार्ट होगी गाड़ी, इसको एक बार पूरा फिटिंग कर लेते, वापस से स्कैनिंग करके देखते कुछ किसी दिखा रहा है क्या। मारो बंद करके वापस, मारो कितना पकड़ो थोड़ा, गाड़ी स्टार्ट हो रही है, मतलब हो रही है, कुछ फॉल्ट है नहीं इसके अंदर, नो ट्रबल कोड आ रहा था, और क्या पता अब इसमें क्या इशू, जब नेक्स्ट टाइम बंद होगी तभी चेक करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। और इसका जो ये कॉइल है इसके अंदर कुछ बोल्ट वगैरह नहीं आता, डायरेक्ट ओपन होता है, ठीक है, सिर्फ ये प्रेस रहता है इसका, ये जो कॉइल है प्लग का इग्निशन कॉइल डायरेक्ट निकल जाता है, कोई स्क्रू बोल्ट वगैरह कुछ नहीं आता, सिर्फ वायर साइड से कटा के तो ये निकल जाता है। तो इसको वापस से एक बार गाड़ी स्टार्ट करते, अंदर स्कैनिंग करके देखते कोई DTC या दिखा रहा है क्या।
बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, अगर हम लोग कभी कुछ चेक करने जाते तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी गाड़ी चेक कर रहे थे कि प्लग में करंट आ रहा है कि नहीं, सिर्फ करंट चेक करने गए तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, और बाकी इतना सेल्फ मार रहे थे कम से कम 10-20 बार सेल्फ मारे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो इसमें ऐसा रहता है अगर कैम सेंसर क्रैंक सेंसर ख़राब भी रहेगा बहुत बार, तो अगर प्लग से हम जैसे वहाँ पर टच करते ना करंट के लिए, तो भी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसमें कभी कभी ऐसा भी फॉल्ट आता है क्रैंक सेंसर या कैम सेंसर का आता है, और भी कुछ इशू हो सकता है। अभी तो कुछ दिखा नहीं रहा, इसमें लाइट डाटा में भी दिखा रहा है जैसा कि देख सकते सब, मैप सेंसर RPM वगैरह सब काम कर रहा है इसका डाटा स्ट्रीम में। और नो फॉल्ट कोड है गाड़ी के अंदर, कोई DTC ट्रबल कोड है भी नहीं। ब्लैंक नहीं मारा इसको, ठीक है, ब्लैंक नहीं मारा।